राधे राधे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय अनदर न्यू कुकिंग ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी एंड कलरफुल रेसिपी लेके। तो आज की रेसिपी है मेरी नानी की रेसिपी, जो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, लेकिन बनाना नहीं हो पाता है हर दिन। एवरीडे लाइफ में अगर आप बनाना चाहें तो थोड़ा सा पेशेंस देना होगा, और क्योंकि मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस बनाने रहते हैं, साथ ही मुझे मेरा स्कूल भी संभालना होता है, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैंने बनाया है, तो इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चना दाल है, तो आप जितना भी चना दाल आप यूज़ करना चाहें, 1 कप 2 कप, वो आप ले सकते हैं। फिर आप उसे भिगो कर रख दीजिए। मैंने रात में भिगोया था और सुबह मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब 6 से 7 घंटे कम से कम भिगोने हैं। फिर बहुत कम पानी डालकर, बिल्कुल ना के बराबर पानी डालकर, मैंने इसे थोड़ा दरदरा पीस लिया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने इसका नहीं बनाया है, इस तरीके से हमें इसे पीस लेने हैं। तो मैंने 2 बैचेस में पीस लिया है, क्योंकि एक बार में नहीं हो रहा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि बीच बीच में कभी बनता है। हालांकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बनाना नहीं हो पाता है। कभी दाल भिगोना भूल जाती हूँ, तभी कभी कुछ हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना रही हूँ। फिर सारे पिसे हुए दाल को मैंने एक पतीले में लिया है और उस पर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आपको सिर्फ जितना दाल है, मतलब लिया है हमने, उसके हिसाब से डालना है। तो थोड़ा सा उससे कम ही डालिएगा, क्योंकि फिर आगे सब्ज़ी में और भी नमक पड़ेगी, तो ऐसे में ये ज़्यादा नमक लगेगा। नमक डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा फेंट लिया, और उसके बाद 2 चुटकी मैंने इसमें डाला बेकिंग सोडा। उसके बाद फिर से मैंने इसे फेंट लिया, मतलब टोटल हम इसे 4 मिनट फेंटेंगे, एक बार नमक डालने के बाद और एक बार सोडा डालने के बाद। और उसके बाद ये मलमल का कपड़ा है, इस पर मैं पूरे दाल के पेस्ट को रख रही हूँ। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है, तो आप कोई सा भी सूती का, फाइन सूती का कपड़ा ले लीजिए, उससे भी काम बन जाएगा। और इस तरीके से दाल को डालने के बाद मैं इसे इस तरीके से निचोड़ रही हूँ, ताकि दाल में जो भी पानी हमने पीसते वक्त यूज़ किया या उसमें से निकला, वो सारा इसमें निकल कर थाली में रह जाए। तो ये जो पानी मैंने दाल का, मतलब जो भी है, लिक्विड है, पानी है, जो भी है, इससे जो मैंने निकाला है, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें रख देना है। तो एक कटोरी में करके आप इसे अभी रख देंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। तो दाल को मैंने इसी कपड़े में बांध लिया है। आप धागे का यूज़ कर सकते हैं, या कपड़े से ही बांध सकते हैं, सूती के धागे से भी आप इसे बांध सकते हैं। फिर मैंने इसे कुकर में डाल दिया, और 1 कप के जितना पानी मैंने यहाँ पर डाला है, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट कम नहीं डालिएगा। फिर कुकर में मैंने 1 सीटी लगाया है। लगाने के बाद जब पूरा गैस निकल गया है खुद से, तो मतलब ढक्कन खुद से खुला, तो मैंने इसे खोल लिया है। देखिए अभी भी ये बहुत गर्म है। अब ना मैंने इसे एक बार उल्टा कर दिया है, मतलब जो साइड ऊपर की तरफ था, कुकर के ढक्कन की तरफ था, उसे मैंने नीचे साइड कर दिया है, और जो नीचे साइड था उसे ढक्कन की तरफ कर दिया है, और फिर से 1 सीटी लगाकर छोड़ दिया था। फिर अभी ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो मैंने उसी मलमल के कपड़े से ही इसे बांधा था, तो मैं इसे खोल रही हूँ। अब देखिए ये फूल कर थोड़ी सी, मतलब थोड़ा फ्लफी ये हो गया है, और बिल्कुल केक के जैसा भी लग रहा है। तो अगर हम चाहें ना, तो हम सिर्फ इसी का सब्ज़ी बनाकर हम लोग खा सकते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बना रही हूँ, जिस तरीके से मेरी नानी बनाया करती थी वैसे। देखिए इसमें जाली भी पड़े हैं, ये सॉफ्ट भी है, और ये कुछ ऐसा है ना कि इसकी सब्ज़ी बनाने पर ये फटेगा भी नहीं। तो इसके हमें छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं, छोटे मतलब मीडियम साइज़ के। आप बड़े भी रख सकते हैं, या फिर आपको जैसे साइज़ के पीसेस पसंद हैं, उस साइज़ के पीस आप उस साइज़ में, उस शेप में आप कट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे करके कट किया है, सारा ही मैंने कट कर लिया है। फिर कढ़ाई चढ़ाया है, और उसमें डाला है सरसों का तेल। तो कढ़ाई में एक बार में जितने पीसेस आएंगे, उतने पीसेस हमें डाल लेने हैं, और उसके बाद इन्हें हमें फ्राई करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तेल को आप कम आँच पर ही रखें, मतलब गैस को आप कम आँच में ही रखें, तेल बढ़िया से गर्म होना चाहिए। और अगर ये फुल फ्लेम पे भी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसे सभी तरफ से अच्छे से हल्का हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, और इसी तरीके से हम सारे पीसेस को फ्राई करके उठा लेंगे। और जो थोड़ा सा तेल रह गया है, उसमें मैंने डाला है साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, और 2
लाल सूखी मिर्च को मैंने डाल दिया है और दो तेज पत्ता लिया है उसे भी तोड़ करके डाल दिया है। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इनकी अच्छी सी खुशबू निकल कर बाहर ना आए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़े बड़े उसी जो फ्राई किए ना हमने दाल वाले उसी के साइज़ के आलू मैंने बॉयल करके रखे थे, एक सीटी लगा कर रखी थी वो मैंने डाली। फिर उसे थोड़ा सा फ्राई किया एक मिनट, फिर मैं उस पर डाल रही हूँ मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, जीरा का पाउडर, तो 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी का पाउडर डाला है और वही 1.25 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर जीरा का पाउडर डाला है। मतलब नॉर्मल जो खाने वाला चम्मच होता है ना उसका आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाला है। और फिर साथ में मैं डाल रही हूँ कुछ साबुत हरी मिर्च और एक टमाटर मैंने लिया है और इसे ना मैं हाथों से इस तरीके से कचोट कर डाल रही हूँ। एक्चुअली कभी कभी ना इस तरीके से डाला हुआ टमाटर या सब्ज़ी वही रहती है, मसाले हम डालने का तरीका चेंज कर देते हैं तो टेस्ट अलग हो जाता है, तो मैंने आज इस तरीके से डाला। और थोड़े से आलू मैंने बॉयल्ड वाले ही रख लिए थे और 4-5 पीसेस उसे मैं इस तरीके से मैश करके डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि सब्ज़ी की जो ग्रेवी होगी, जो रस हमारा बनेगा वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। और यहाँ पर ये जो मैंने दाल का पानी निकला था वो मैंने रख लिया था कटोरी में, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से एकदम फ्राई कर लेना है, मतलब जिसे बोलते हैं पूरा इसे हम लोग मतलब ये जो मसाले हैं इसे हम अच्छे से इस टाइम फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू नहीं निकलेगी। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा पाता है, अगर आप खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। फिर ढक्कन लगा दिया था मैंने और जब ये अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है अभी देखिए धीरे धीरे करके, तो ऐसे टाइम में जो दाल वाले केक हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। हमारे घर में मतलब मेरी नानी इस रेसिपी को बनाया करती थी और बंगालीज में इसे बोला जाता है धोखा, तो धोखा की सब्ज़ी मैंने आज बनाई नानी वाली जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी देखिए पीसेस डालने के बाद मैंने 2 मिनट तक इसे बॉयल किया है और फिर ढक्कन को खोल दिया है और यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला और गैस को कर दिया है ऑफ। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से मैं इसे मिक्स करके ढक रही हूँ और 5 मिनट बाद खोलूँगी तो सर्व करने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारा जो डिश है ऑथेंटिक ट्रेडिशनल बंगाली धोखा वो बनके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके के अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और मेरी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है।